दोस्तों आज मैं 100 मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो सन 2004 में आई थी। मैं इस मूवी के सारे सीक्वल्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम एडम नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी नींद एक बाथटब में खुलती है। तभी उसके होश आते ही उसके ऊपर रखी हुई चाबी बाथटब में बह जाती है, और क्योंकि चारों तरफ अंधेरा था इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। तभी उसे लॉरेंस की आवाज सुनाई देती है जो उससे कहता है कि यहाँ पर चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं है। फिर लॉरेंस के हाथ एक स्विच लगता है जिसे ऑन करते ही वहाँ पर लाइट जल जाती है। इससे वो दोनों देखते हैं कि उन्हें एक टॉयलेट रूम में बंद किया गया है और उनके सामने ही एक आदमी ने सुसाइड करके अपनी जान दे दी है। इसके पास एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर भी है। इस दौरान हम देखते हैं कि उन दोनों को ही एक जंजीर की हेल्प से टॉयलेट के पाइप से बांधा गया है। इससे एडम काफी घबरा जाता है और लॉरेंस से उसके बारे में पूछता है। इस पर वो बताता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। फिर वो एडम से पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें यहाँ पर कैसे लाया गया था, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। और क्योंकि किडनैपर ने उन दोनों को ही जिंदा रखा था तो इस बात से लॉरेंस समझ जाता है कि किडनैपर उनसे जरूर कुछ न कुछ चाहता है। फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर एक घड़ी भी लगी हुई है जिससे पता चलता है कि वो किडनैपर चाहता है कि उन दोनों को ही टाइम का पता चलता रहे। इसके बाद एडम और लॉरेंस दोनों को ही अपनी अपनी पॉकेट से एक टेप मिलती है, लेकिन एडम को टेप के साथ एक चाबी और गन की एक गोली भी मिलती है। वो दोनों ही उस चाबी से अपनी अपनी जंजीरें खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी और लोग की चाबी होती है। इसीलिए एडम टेप सुनने के लिए किसी तरह से डेड बॉडी के पास से वो टेप रिकॉर्डर अपनी तरफ खींच लेता है। फिर जब एडम अपना टेप सुनता है तो पता चलता है कि वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और उन लोगों के लिए काम करता है जो उसे पैसे देते हैं। हालांकि उसे टेप में धमकी दी जाती है कि वो जल्द ही मरने वाला है। फिर जब एडम लॉरेंस की टेप को प्ले करता है तो लॉरेंस से एडम को मारने के लिए कहा जाता है और इसके लिए उसे 6 बजे तक का टाइम दिया जाता है। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि उनके बीच पड़ी हुई डेड बॉडी के खून में जहर है। इस दौरान टेप में किसी एक्स मार्क के बारे में भी बताया जाता है जो लॉरेंस के लिए बहुत ही कीमती हो सकता है। साथ ही उसे धमकी भी दी जाती है कि अगर उसने एडम को नहीं मारा तो उसकी वाइफ एलिसन और बेटी डायना को मार दिया जाएगा और उसे भी इस कमरे में मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। फिर लास्ट में उस टेप में बताया जाता है कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिल में है। ये सुनकर जब लॉरेंस आसपास नजर घुमाता है तो उसे टॉयलेट पर दिल बना हुआ दिखाई देता है। इसे एडम चेक करता है। उसे वहाँ एक बैग मिलता है जिसके अंदर 2 आरियां होती हैं, जिन्हें निकालने के बाद एडम लॉरेंस की नजर से छुपकर उस बैग को बाथटब में फेंक देता है। फिर जब वो दोनों जंजीरों को काटने की कोशिश करते हैं तो वो इस चीज में नाकाम हो जाते हैं, जिससे लॉरेंस समझ जाता है कि ये आरियां उन्हें जंजीरों को नहीं बल्कि उनके पैरों को काटने के लिए दी गई है। इन सब चीजों को देख कर लॉरेंस एडम को बताता है कि शायद मैं उसे जानता हूँ, इसने हमें किडनैप किया है। इसके बाद हमें डिटेक्टिव डेविड और उसके साथी स्टीवन को दिखाया जाता है जो एक क्राइम सीन पर पहुंचते हैं। उन्हें वहाँ पर एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है जो बहुत ही बुरी तरह से कटीले तारों में फंसा हुआ था। इस दौरान उन्हें एक टेप रिकॉर्डर भी मिलता है। इससे पता चलता है कि मरे हुए आदमी का नाम पॉल है और उसने कुछ दिनों पहले सुसाइड करने की कोशिश की थी। इसी वजह से किलर ने उसे पकड़कर यहाँ पर कैद कर लिया था और उसे धमकी दी गई थी कि अगर वो समय रहते कटीले तारों से नहीं निकला तो हमेशा के लिए यहीं पर कैद हो जाएगा। इसी वजह से पॉल ने बाहर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन वो तारों के बीच ही फंस गया और वहीं पर बहुत ही बेरहमी से मारा गया। फिर हमें पता चलता है कि इस किलर को जिक्सो नाम दिया गया है क्योंकि वो जिक्सो गेम की तरह ही लोगों को कुछ क्लूज देता है जिनकी हेल्प से उन्हें खुद को बचाना होता है। हालांकि वो कभी भी अपने विक्टिम को नहीं मारता बल्कि वो खुद ब खुद मर जाते हैं। इसी तरह के कई केसों को इन्वेस्टिगेट करते करते एक केस में डिटेक्टिव को क्राइम सीन में डॉक्टर लॉरेंस का पेन मिलता है, इसीलिए वो लोग लॉरेंस से बात करने के लिए पहुँचते हैं और उससे पिछली रात के बारे में पूछ कर वो पेन दिखाते हैं, लेकिन लॉरेंस को उस पेन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। हालांकि वो ये बात नहीं बताता कि वो पिछली रात कहां पर था, इसीलिए उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर जब लॉरेंस का लॉयर उसके पास पहुंचता है जिसे वो बताता है कि पिछली रात वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, ये जानकर उसका लॉयर उसे डिटेक्टिव से सारी बातें सच बताने के लिए कहता है। इससे लॉरेंस को छोड़ दिया जाता है, लेकिन छोड़ने से पहले डिटेक्टिव उसे अमेंडा नाम की एक लेडी का इन्वेस्टिगेशन सुनाते हैं जो की ड्रग एडिक्ट थी। इस दौरान वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में बताती है की उसे जिक्सो किलर ने लोहे का मास्क लगाकर एक रूम में बंद कर दिया था जिसमें एक टाइमर लगा होता है जिसके शुरू होते ही उस मास्क के साथ साथ अमेंडा का सर भी अलग होकर ब्लास्ट हो जाता है। फिर उसे बताया जाता है कि मास्क की चाबी उस रूम में मौजूद एक आदमी के पेट में है जो कि बेहोश है, इसीलिए अमेंडा न चाहते हुए भी उस आदमी के पेट को फाड़कर चाबी निकाल लेती है। इसी वजह से जिक्सो किलर ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन अब अमेंडा को लगता है कि जिक्सो किलर ने उसकी मदद की है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर पता चलता है कि एडम और लॉरेंस पर कैमरे से नजर रखी जा रही है, और क्योंकि एडम
विलियम बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था, इसीलिए लॉरेंस उसे समझाता है कि तुम्हें शांत रहना होगा क्योंकि मेरी भी एक फैमिली है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो अपना पर्स निकालकर एडम की तरफ फेंकता है इससे वो उसकी बेटी की फोटो देख सके, लेकिन जब एडम चेक करता है तो उसे एक फोटो मिलती है। इसमें एलिसन और डायना दोनों को ही किडनैप किया गया था और उसके पीछे लिखा गया था कि एक्स का मार्क तुम्हें तभी दिखेगा जब तुम अपनी आंखें बंद कर लोगे, यानी कि कमरे में अंधेरा होगा। लेकिन एडम लॉरेंस से वो फोटो छिपा लेता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि लॉरेंस के घर से निकलते ही उसकी फैमिली को कैद कर लिया गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस किलर को लॉरेंस की बिल्डिंग पर नजर रख रहा डिटेक्टिव डेविड देख लेता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डिटेक्टिव अमांडा के केस से रिलेटेड वीडियो देख रहा होता है और उसे उस जगह के बारे में पता चल जाता है जहाँ पर वो जिग्सो मौजूद था, इसीलिए वो अपने साथी स्टीवन के साथ वहाँ पर छापा मार देता है। लेकिन जब वो दोनों जिग्सो को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो वहाँ पर बंधे हुए एक आदमी के सर के पास लगी हुई मशीन को ऑन कर देता है जो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर स्टीवन उस आदमी को आजाद करने की कोशिश करता है, तभी मौके का फायदा उठाकर जिग्सो किलर डेविड के गले पर चाकू से अटैक करके वहाँ से भाग जाता है। इसीलिए स्टीवन उसके पीछे जाता है और उस पर शॉर्ट गन से अटैक कर देता है, इससे वो वहीं गिर जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है वहाँ पर लगी हुई ट्रैप में उसका पैर पड़ने से गन चल जाती है और स्टीवन वहीं पर मारा जाता है, इससे जिग्सो बचकर वहाँ से चला जाता है। हम ये भी देखते हैं कि गला कटने के बावजूद भी डेविड बच गया था और उसी की वजह से उसका साथी स्टीवन मारा गया था, इसीलिए वो अभी तक जिग्सो का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एडम लॉरेंस के पर्स से मिली फोटो को देखकर लॉरेंस से लाइट बंद करने के लिए कहता है और जैसे ही लॉरेंस लाइट बंद करता है तो उसे एक्स मार्क दिख जाता है जहाँ पर उसे एक छोटा सा बॉक्स मिलता है जो लॉक होता है। इसे लॉरेंस उस चाबी से खोल देता है जो उसे अपने पॉकेट में मिली थी। उसे बॉक्स के अंदर एक फोन के साथ साथ दो सिगरेट और एक छोटा सा नोट भी मिलता है। इसमें बताया गया था कि ये सिगरेट पूरी तरह से ठीक है और ये तभी जानलेवा हो सकती है इसमें जहर मिला हुआ ब्लड लगा दिया जाए, जो कि एक बहुत ही अच्छा आइडिया था। इससे बिना किसी परेशानी के लॉरेंस एडम को मार सकता था। फिर लॉरेंस पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसे पता चलता है कि उस फोन से सिर्फ कॉल रिसीव की जा सकती है। तभी उसे याद आता है कि जब वो पिछली रात हॉस्पिटल से निकला था तो कोई उसकी फोटोज ले रहा था लेकिन उसने ये बात इग्नोर कर दी थी। फिर जब वो किसी को कॉल करने की कोशिश कर रहा था तभी उस पर एक पिग मास्क पहने हुए आदमी ने अटैक कर दिया था जो पहले से उसका वहाँ पर वेट कर रहा था। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं कि लॉरेंस समझ गया है कि एडम उसे झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो उससे सारी बातें सच बताने के लिए कहता है। अब एडम उसे वो फोटो दिखाता है जो लॉरेंस के पर्स से उसे मिली थी। एडम उस फोटो को इसीलिए छुपा रहा था कि कहीं लॉरेंस फैमिली को मुश्किल में देखकर उसे मार ना दे। इसके बाद लॉरेंस सिगरेट में वहाँ पर पड़ा हुआ खून लगा देता है और एडम से अपना साथ देने के लिए कहता है, जिस पर वो इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद लॉरेंस रूम की लाइट बंद कर देता है और वापस से जलाने के बाद एडम को वो सिगरेट देता है जो बिल्कुल ठीक होती है। इसे पीने के बाद एडम मरने का नाटक करता है लेकिन जिग्सो किलर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है, इससे एडम उठकर खड़ा हो जाता है और उनका प्लान चौपट हो जाता है। तभी एडम को याद आता है कि वो घर पहुंचकर रूम में फोटोज प्रिंट करते करते सो गया था और जब उसकी आंख खुली तो उसके घर में लाइट नहीं थी और क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसके घर में कोई और भी मौजूद है, इसीलिए वो अपने कैमरे की फ्लैश से उसे देखने की कोशिश करता है। तभी क्लोजेट में छुपा हुआ आदमी यानी कि पिग मास्क वाला आदमी उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि लॉरेंस के पास मौजूद फोन बजने लगता है। जब वो फोन उठाता है तो उसे दूसरी तरफ अपनी बेटी डायना की आवाज सुनाई देती है। इससे बात करके लॉरेंस को ये बात कंफर्म हो जाती है कि उसकी फैमिली सच में किडनैप हो चुकी है। इस दौरान एलिसन लॉरेंस को आगाह भी करती है कि तुम एडम की बातों पर विश्वास मत करना क्योंकि वो तुम्हें पहले से जानता है। ये जानकर वो एडम से पूछता है कि क्या ये बात सच है। हालांकि पहले तो वो झूठ बोलने की कोशिश करता है लेकिन फिर बताता है कि मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ और मुझे पता है कि तुम अपनी वाइफ को चीट कर रहे थे। इसके बाद वो बाथटब में छुपाए हुए उस बैग को निकालता है जिसमें लॉरेंस की बहुत सारी फोटोज थी और उन फोटोज से ये प्रूफ हो जाता है कि लॉरेंस पिछली रात किसी से मिलने के लिए होटल गया था। उन फोटोज को देखकर लॉरेंस एडम से पूछता है कि तुम्हें किसने हायर किया था, जिस पर वो बताता है कि मुझे तुम पर नजर रखने के लिए एक बॉब नाम की आदमी ने हायर किया था। लेकिन जब एडम उस आदमी का हुलिया बताता है तो लॉरेंस समझ जाता है कि वो बॉब नहीं बल्कि डिटेक्टिव डेविड है और क्योंकि उसे उसके पार्टनर के मरने के बाद नौकरी से निकाल दिया गया था, इसके बावजूद वो लॉरेंस के पीछे पड़ा हुआ था। फिर जब दोबारा एडम की नजर उन फोटोज पर जाती है तो उसे एक ऐसी फोटो मिलती है जिसमें लॉरेंस के घर की तस्वीर थी। इसमें लॉरेंस का कलीग जैप था, इससे लॉरेंस को कंफर्म हो जाता है कि इन सब चीजों के पीछे कोई और नहीं बल्कि जैप ही है। तभी हम लॉरेंस के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर जैप ये सारी चीजें देख रहा होता है। तभी किलर का दिया हुआ वक्त खत्म हो जाता है, इसीलिए जैप गन लेकर एलिसन और उसकी बेटी के पास पहुँचता है और लॉरेंस के पास कॉल करता है।
लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें मार पाता, एलिसन खुद को आजाद करके उसकी गन ले लेती है। लेकिन जब एलिसन लॉरेंस से बात करने की कोशिश करती है तो उसका ध्यान भटक जाता है। इसका फायदा उठाकर जैक उस पर अटैक कर देता है। इससे हाथापाई में गन चल जाती है और उसकी आवाज सुनकर डेविड भी वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन जैक उसे घायल करके वहाँ से भागने लगता है। इस दौरान वो एलिसन को आवाज लगाते हुए कहता है कि मैं लॉरेंस को मार दूंगा। उसी दौरान लॉरेंस को बिजली का बहुत तेज झटका लगता है और वो बेहोश हो जाता है। इधर जैप जब जा रहा होता है तो डेविड भी उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि लॉरेंस के पास मौजूद फोन फिर से बज रहा था, लेकिन दूर हो जाने की वजह से वो उसे नहीं उठा पाता। इसीलिए वो अपने पैर में शर्ट बांध कर उसे आरी से काटने लगता है। फिर हम देखते हैं कि डेविड जैप तक पहुंच जाता है, लेकिन जैप उसे गन से शूट करके मार देता है। इसके बाद हम फिर से लॉरेंस को देखते हैं, जो अपना पैर काटने के बाद बॉक्स से निकली हुई गोली लेकर मरे हुए आदमी के पास पहुंचता है और उसके हाथों से गन लेकर एडम को शूट कर देता है। इसके बाद वो चिल्लाता है कि मैंने वैसा ही किया, ऐसा तुमने कहा था, इसीलिए अब तुम मेरी फैमिली को छोड़ दो। इस दौरान हम देखते हैं कि लॉरेंस की फैमिली बिल्कुल सही सलामत थी। फिर जैप भी गन लेकर लॉरेंस के पास पहुंच जाता है और एडम को चेक करने के बाद कहता है कि तुमने बहुत लेट कर दिया, इसीलिए मुझे रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि वो लॉरेंस को मार पाता, वहां पर बेहोश पड़ा एडम उस पर अटैक कर देता है और टॉयलेट सीट से उसके सर पर लगातार अटैक करके उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। फिर हमें पता चलता है कि लॉरेंस ने एडम के कंधे पर गोली मारी थी, इसी वजह से वो अब भी जिंदा था। फिर लॉरेंस हेल्प लेकर आने का वादा करके वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद एडम वहाँ पर मरे हुए आदमी की बॉडी चेक करता है तो उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, जिससे पता चलता है कि जैप को भी एक स्लो पॉइजन दिया गया था। इसके एंटीडोट के बदले उसे लॉरेंस की फैमिली को मारने के लिए कहा गया था। यह सुनकर एडम समझ जाता है कि जैप जिक्सो नहीं था, बल्कि उन्हें किसी और ने ही किडनैप किया है। तभी वहाँ पर मरा हुआ आदमी उठकर खड़ा हो जाता है और अपने चेहरे से मास्क उतारता है, जिससे पता चलता है कि उसने सिर्फ मरने का नाटक किया था। फिर वो एडम को बताता है कि तुम्हारे ताले की चाबी तुम्हारे पास ही थी, लेकिन जब तुम्हें होश आया तो वो बात तब में बह गई। इस दौरान हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम जॉन है और उसके सर में ट्यूमर था, इसका कोई भी इलाज नहीं है। हालांकि उसने लॉरेंस से अपना इलाज कराने की कोशिश की थी, लेकिन लॉरेंस ने उसे बताया था कि वो जल्द ही मरने वाला है और उसके पास कोई भी उम्मीद नहीं बची है। इन्हीं सब चीजों की वजह से उसने एडम और लॉरेंस को चुना था, क्योंकि उसके लिए ये सारी चीजें सिर्फ एक गेम थी जिसमें एडम फेल हो चुका था। इसीलिए जॉन यानी कि जिक्सो से वहीं पर बंधा हुआ छोड़कर चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।